फातिमा, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वाले सलाम। हकीम साहब से बात करवाइए। जी बात हो रही फातिमा, मैं हाजिर हूँ, क्या सवाल है? जी हकीम साहब, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत रहती जी मेरे को। अच्छा, कब से रहती है? कब से रहती है ये? कम से कम 2-3 साल से हो रहा है। बहुत सरकारी दवाएं वो खाई, समझो कुछ भी नहीं। अभी तुम्हारा देखी न्यूज चैनल पे प्रोग्राम, तो कॉल की समझो। ठीक है, कितनी उम्र है बच्चा? मेरी उम्र होंगी देखो। ठीक है, शायद कट गई कॉल। अच्छा, उम्र तो मैं अंदाजा लगा लूंगा आपकी। देखिए, एसिडिटी का एक मुस्तकिल इलाज भी है, और मैं अक्सर एक नुस्खा शेयर करता हूँ, वो दुनिया के अच्छे नुस्खे जात में है। उसमें 6 चीज़ें तो किचन की हैं, एक चीज़ बाहर से भी लेनी पड़ सकती है, अच्छे घरों में वो भी किचन में रहती है। तो वो पूरे सिस्टम का इलाज है और 10-12 बीमारियों में काम करता है। देखिए, सौंफ सभी जानते हैं, सौंफ सौंठ ज़ीरा तीनों किचन की चीज़ें, धनिया, अजवाइन और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें किचन में अक्सर मिल जाती हैं। 100-100 ग्राम लें, सौंफ सौंठ ज़ीरा धनिया अजवाइन मेथी का दाना, ये 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना के रखें। ये हमेशा घर में अगर रहे तो बहुत अच्छा है। और एक आता है नमक जैतून, ये दुनिया का शायद सबसे बेहतरीन नमक है। एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाएं, और ये 2 गिलास पानी से ये 6 चीज़ों का जो आपने पाउडर बनाया है ये खा लें 1 चम्मच, और ये पानी पी लें, काफ़ी है, बस एक बार ही काफ़ी होता है। किसी किसी को अगर 2 बार भी लेना पड़े तो ले सकते हैं, खाने से पहले आधा घंटा पहले लिया करें। तो ये 10-12 रोगों में काम करता है। देखिए, एसिडिटी, गैस, कब्ज़, बवासीर, 4 बीमारियाँ हो गई, इन्फेक्शन 5वीं बीमारी, किडनी इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन और लीवर इन्फेक्शन, लीवर बड़ा हो जाना, बढ़ जाना, फैटी हो जाना, किडनी की गंदगी जो बढ़ जाती है, जिसे जिसकी वजह से हम डायलिसिस कराते हैं, वो गंदगी जिसे आलूदगी कहते हैं, जिसे क्रिएटिनाइन कहते हैं, उसके लिए, फिर स्किन के रोगों के लिए, मुहासों के लिए, और जाने कितनी बीमारियों के लिए, ये दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है, इसे आप इस्तेमाल करें, फायदा उठाएं। कोटा राजस्थान से हैं जहूर अंसारी जी, स्वागत है आपका। हकीम साहब सलाम वालेकुम। सेल जी, मेरा 3 पेशेंट के सवाल है, मतलब थोड़ा लिख लेना पूरा, मतलब कितना हकीम साहब को बता देना। पहला सवाल तो ये हकीम साहब, एक के मतलब हार्ट में मतलब 100% मतलब हार्ट ब्लॉक था, और एक नस 50% थी, तो अपन उनको मतलब जैतून ये एच केयर सिरप और एच केयर कैप्सूल दे रहे थे, 6-7 महीने हो गए उनको खाते खाते, तो मतलब उनके क्या है कि मतलब अभी भी उनको बता रहे हैं कि मतलब जैसे अभी अपन ने ऊपर चढ़ने में थोड़ा सांस फूलती है, और कुछ वजन उठाने में सांस फूलती है, तो उनको मतलब जैतून का सिरका उनकी चालू कर सकते हैं, मतलब वो कैप्सूल एच के और एच मतलब एच सिरप देंगे, या मतलब अपने ये जैतून का सिरका दे सकते हैं उनको। और दूसरा सवाल ये है कि मतलब एक जना मतलब एक पेशेंट को मतलब बड़ी मशहूर समझा के उनके 400 शुगर रहती है, 400, तो उनको जैतून का सिरका उनको भी दे सकते हैं, मतलब अदरक का इनका था, मेरे आज तक मतलब जूस निकलता भी नहीं, मतलब बहुत ट्राई कर लिया, अदरक का लहसुन का जूस तो निकलता ही नहीं है, तो जैतून का मतलब सिरका मतलब फायदा करेगा या मतलब और कुछ देगा मतलब उनको। तो तीसरा पेशेंट का ये है कि मतलब उनका थायराइड है मतलब, तो धनिया आंवला अलसी बताया इनको और गोन मोरिंगा बताया इनके 6 महीने के, मतलब उनको बोला उनको विश्वास नहीं रहता, मैंने ये वही बोलती है कि मतलब मैं पूरी जगह मतलब इलाज करा लिया, तो मैंने उनको ये बोला मैंने कि 6 महीना दे दो मतलब आप बढ़िया हो जाओगे। तो ये तीन सवाल है, तीनों मतलब जल्दी लिखिए बढ़िया, मतलब जवाब दे दीजिए जी मतलब। और देखिए, ये जो थायराइड वाले नुस्खे में है, धनिया 300 ग्राम लें, बाकी चीज़ें 100-100 ग्राम। थायराइड वाले से कहें कि ये भी खाते रहें 2 टाइम, और अपनी थायराइड की गोली भी खाते रहें,
फिर दो महीने बाद अपनी पुरानी और नई रिपोर्ट चेक कराएं, आपको मसरत होगी क्या उनको फ़ायदा शुरू हो गया। धीरे धीरे 6-7 महीने लगातार इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है, और जिनको ब्लॉकेज था उनको ख़त्म हो जाना चाहिए अभी तक, और 6-7 महीने में तो हो जाता है। फिर भी आप चाहें तो इनको लगातार वो सिरप दें या ये सिरका दें, सिरका दें तो उसमें नमक जैतून एक चुटकी मिला कर दें, या नमक जैतून और वो खाने का सोडा मिला के दें तो वो सिरप का ही काम करेगा, एचकेएल सिरप वाला ही काम वो कर सकता है। इत्मीनान रखें, ब्लॉकेज का दुश्मन है ये रॉ मटेरियल है, आपने खुद बनाया है, लेकिन ये मैंने इससे अच्छी इन नसों के ब्लॉकेज से मुतालिक कोई दवा नहीं देखी आज तक, तो ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं, निरोगी भी ले सकते हैं, फ़ायदा मुमकिन है जी। और 400 शुगर रहती है, जैतून का सिरका दे सकते हैं या फिर कुछ और, और अदरक नींबू का रस ये नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सिरका खाली सिरका दे दें, मैंने आपको जवाब दिया कि इस सिरके में अगर खाने का सोडा एक चुटकी और एक चुटकी नमक जैतून मिला दिया जाए एक खुराक में तो ये वो सारे काम करेगा जो अदरक लहसुन और नींबू के महलूल काम करता है। और शुगर वालों को दे सकते हैं आप इन्हें, 2-3 टाइम भी दे सकते हैं। और एक आता है गोंद जामुन, इससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं कि दुनिया की सबसे तेज़ असर रॉ मटेरियल जामुन का गोंद है, जो एक एक चुटकी दो बार लेने पर शुगर को कंट्रोल रखता है, बशर्ते आप अपनी अद्वियात भी खाते रहें, और ये आपको सेहतमंद ज़िंदगी दे सकता है जी। हकीम साहब, ये जो हार्ट ब्लॉकेज वालों के लिए इन्होंने सवाल किया था, उनकी सांसें जो फूल रही हैं इसका क्या कारण है? देखिए, हो सकता है फेफड़े कमज़ोर हों इनके, ब्लॉकेज तो मेरा ज़ाती तजर्बा है कि 6-7 महीने में खुल जाता है, तो आप चाहें तो टेस्ट भी करा सकते हैं। सबसे बड़ी ज़मानत तो वो टेस्ट जो होते हैं ब्लॉकेज के, दोबारा करा सकते हैं, थोड़ा परेशानी तो होती है आपको साबित करने के लिए, बस वही टेस्ट है। और फेफड़े अगर कमज़ोर हों तो फिर फेफड़े का इलाज कर लें, अभी आपके ब्लॉकेज नहीं होने चाहिए, ऐसा मेरा तजुर्बा है जी। दादरी से हैं सुरेश जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सर। हाँ नमस्कार जी, हकीम साहब से बात करवाएंगे जी? बात हो रही है, सुरेश जी आपका स्वागत है। हकीम साहब नमस्कार, मैं ऑलरेडी लेफ्टिनेंट बोल रहा हूँ सर, फौजी। अच्छा, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ मेरे पेट में बड़ी प्रॉब्लम जी, ठीक ठीक है। चूरन आते हैं तो मैं चुपे लेता रहा हूँ, कहीं ऐसा नहीं है कि मेरे आत्माओं की सिग्नाई खत्म हो गई हो? हाँ देखिए फौजी भाई, यही मसला है कि ये चूरन वगैरह जो आते हैं ये आंतों की चिकनाई ख़त्म कर देते हैं, यही बात सच है। तो बहुत सारे नुस्खे हैं इसके लिए, लेकिन ये चूरन बनाने वाले लोग बग़ैर छोटी हरड़ काबली, ये तीनों एक ही चीज़ हैं, इसके मिलाए चूरन नहीं बनाते। और इसको प्रयोग करने का तरीका ये है कि हड़ को या हरड़ को या हरड़ काबली को इसको तेल में भूनना होता है, तेल या तो बादाम का हो या अरंडी का हो, उसमें अगर हम भून लें तो फिर ये सही काम करता है, नहीं तो ये हमारी आंतों की चिकनाई निकाल देता है, फिर फुजलात जो लैट्रीन है हमारी आंतों से चिपक के चलने लगती है। एक तो ये बात समझानी ज़रूरी थी, दुनिया में लोग आते हैं और अखबारों में और टीवी पर और यूट्यूब पर फेसबुक पर वो कहते हैं त्रिफला खाओ, ये सबसे बड़ा दुश्मन त्रिफला है इंसान का, पेट का। तो त्रिफला अगर खाना हो तो इसको आप
अरंडी के तेल में या बादाम के तेल में भून लें और फिर इसको खाएं ताकि आपको नुकसान ना दे। त्रिफला बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन बगैर इसमें भूने ये नुकसानदेह चीज़ है। शुरू में फ़ायदा करती है, बाद में हाथों की चर्बी निकाल देती है, चिकनाई जो है एक लेमिनेशन होता है। अब मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ आपको, एक दो नुस्खे बता देता हूँ। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना, ये छह चीज़ें ले आप और इनको 100-100 ग्राम लेके पाउडर बना के रख लें और एक चुटकी नमक, जैतून, 2 गिलास पानी मिला के ये आप रोज़ाना कम से कम एक बार लिया करें, ज़्यादा ज़्यादा 2 बार, खाने से पहले लेना बेहतर है। और एक और घरेलू इलाज है कि बादाम का अच्छा तेल अपने सामने निकलवा लें, वरना आजकल भरोसा नहीं, और 2-3 चम्मच दूध में मिला के पी लिया करें दिन में 1 बार या 2 बार बादाम का तेल, और ये बहुत अच्छा नुस्खा है। धीरे धीरे आपकी लेमिनेशन वापस आनी मुमकिन है। बेल पत्थर खाया करें खूब, बेल पत्थर खाएं तो पानी खूब पिया करें। अभी बेल पत्थर नहीं मिले तो आप बेल का मुरब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब पेट के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें हैं जी। मुंबई से हैं सुनील मेहरा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार मैडम जी। मैम, मैम ये आपका नाम है? हाँ जी सुनील एस के मेहरा जी। जी बताइए। हाँ जी, मेरे को थायराइड बीपी शुगर है और क्रिएटिन प्रॉब्लम था थोड़ा, तो मैंने हकीम जी की दवाइयाँ चालू है, पी केयर कैप्सूल और जैतून का सिरका और ये गोल मोरिंगा, तो क्रिएटिन तो 7 पॉइंट थोड़ा कम हुआ, वो पहले 148 था, अभी 137 हो गया। ठीक है, 1.5 महीने के बाद चेक किया, तो अभी वही चालू रखूं और पी केयर कैप्सूल कैसे खाऊं? और मेरा वेट बहुत ज्यादा है डॉक्टर साहब, 120 मेरा वेट है। उम्र कितनी है? उम्र है 63। ठीक। अच्छा देखिए, ये जो पी केयर कैप्सूल आप खाते हैं ना, आप उसका तरीका बदल लीजिए तो और ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है, और उसके साथ आपका वेट भी लॉस होना चाहिए और डाइट कंट्रोल भी ज़रूरी है। अब वेट काफ़ी है। अच्छा देखिए, एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में डालें, एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में डालें, और अलसी आप जानती होंगी, अलसी को हल्का सा भून के पाउडर बना के रख लें, 1 चम्मच अलसी खाएं और ये पानी पी लिया करें दिन में 1 बार या ज़्यादा 2 बार, और पी केयर कैप्सूल भी उसी वक्त खाया करें, तो आपको बहुत तेज़ी से क्रिएटिनिन कम करता है, ये फ़ायदा तो है आपको, और ज़्यादा तेज़ी से और वेट लॉस होता है। डाइट अपनी कम कर दीजिए, जितना खाना खाते हैं उससे आधी कर दीजिए, और अगर चल पाते हैं तो थोड़ा बहुत चला करिए। वैसे हर शख्स को 1 घंटा पैदल चलना चाहिए, नहीं पैदल चल सके तो धूप में बैठ जाया करिए, और ये नुस्खा आप लेंगे तो 3-4 किलो वज़न का फ़र्क पड़ता है हर महीने, और ऐसे फ़र्क पड़ने लगे तो फिर आप जितना चाहे वेट लॉस कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए और जितना वज़न हो सके कम कर लीजिए, जितना हो सके भगवान से मदद मांगिए, जितना हमारी उम्र ज़्यादा हो उतना वज़न कम होना चाहिए। अगले कॉलर हैं मथुरा से रवि जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैं मथुरा से बोल रहा हूँ रवि जी। जी बताइए। जब मैं जो सांस लेता हूँ तो छाती में थोड़ा सा दर्द होता है और उल्टी सी, 4-5 महीने हो गए। हेलो रवि जी, कितनी उम्र है आपकी? उम्र है 30 साल। 30 साल? हाँ, पहले मेरे 3-4 महीने मेरे लीवर बढ़ गया था, ये थोड़ी बहुत बुखार आ गया था, ये प्रॉब्लम रही थी। ठीक है ठीक है।
रवि जी, लीवर की ही दिक्कत ऐसा लगता है और फिर से है, आप बहुत ख्याल रखा करें अपना। और सबसे पहले तो आप ये एनिमल फैट तकरीबन बंद कर दें, मांस खाते हैं तो मांस बंद कर दीजिए, दूध पीते हैं तो दूध बंद कर दीजिए, घी खाते हैं देसी तो वो भी बंद कर दीजिए, और मक्खन भी इस्तेमाल ना करें, इनमें सब में एक सा ही फैट होता है। अब एक आता है, देखिए एक नुस्खा बना लें, बहुत आसान है। धनिया तो हर घर में होता ही, धनिया का पाउडर लें और अलसी ले लें 100 ग्राम और 100 ग्राम धनिया का पाउडर। अलसी को हल्का सा भून के पाउडर बनाएं, धनिया का पाउडर 100 ग्राम, अलसी का पाउडर 100 ग्राम। इस पाउडर को आपको एक चम्मच खाना है सुबह नाश्ते से पहले। और एक चुटकी, एक आता है नमक जैतून, नमक जैतून एक चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर इस पानी से रोज़ाना एक बार या 2 बार खाने से पहले ये धनिया और अलसी का पाउडर खा लिया करें, आप सेहतमंद हो सकते हैं जी।